हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोविक और आप देख रहे हो मी3 यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये एक व्लॉग चैनल है और मैं कभी कभी आ जाता हूँ आपके साथ थोड़ा गपशप करने। लेकिन आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ, हालांकि आपने टाइटल पे देख ही चुके हो, लेकिन मैं ये आपको कन्फर्म करना चाहता हूँ कि इससे पहले इतना ज़्यादा इस टॉपिक पर डिस्कस कभी हुआ ही नहीं जैसे कि अभी आजकल चल रहा है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सा हादसा है, ये आप सभी को पता है। तो इस टॉपिक को, मतलब हादसे को डिस्कस ना करके और मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली हम लोग डिस्कस ना करके, मैं आज डायरेक्टली इसका रीजंस, इसके वजह, जहाँ से ये सब शुरू होता है, वहाँ तक मैं थोड़ा पहुँचना चाहता हूँ। और इस सीरीज़ का, अभी से जो मैं सीरीज़ चलाऊँगा, इस सीरीज़ का नाम मैंने दिया है मी टॉक्स। तो इन सब सीरीज़ के थ्रू, ये सब एपिसोड्स के थ्रू, थोड़ा बहुत पॉडकास्ट जैसा होगा, तो इन सब एपिसोड्स के थ्रू आप अपने आप से बात कर पाओगे। मेरे थ्रू, मेरे ज़रिए आप अपने आप से थोड़ा बात करने का मौका ढूंढ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल फिटनेस बहुत सारे चैनल पे और बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल पे डिस्कस किया गया है, संदीप महेश्वरी सर से लेके बियर बाइसेप्स से लेके बहुत सारे, मतलब टॉप मोस्ट चैनल में डिस्कस किया गया है और रीजंस भी डिस्कस किए गए। लेकिन आज इस चैनल पे मैं थोड़ा मेरे जैसा डिस्कस करने चाहता हूँ। तो इनसे आप इतना कन्फर्म तो कर ही सकते हो कि जो सब टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा, जो सब रीजंस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो सब मेरे साथ हो चुका है, या फिर आप सोच सकते हो कि हो ही गया है, मतलब कन्फर्म ये हुआ है मेरे साथ। सो ऐसा मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ पर्संस, आप कह सकते हो मैक्सिमम लोगों के साथ ये सब होता है और होता आ रहा है। और कभी ज़्यादा हम लोग कोई नोटिस ही नहीं करता कि एक्चुअली में मेंटल इलनेस कहाँ से शुरू होता है, या फिर खुद को छोटा समझना कहाँ से शुरू होता है। और ये वीडियो में मैं ये भी बातें करूँगा आप लोगों के साथ, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सुनना ज़रूर, अच्छा लगेगा, मन को शांति मिल सकता है। मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ इसका सॉल्यूशन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाला हूँ। और जैसे मैं अभी यहाँ तक आया, जैसे मैं सोचता हूँ, मेरे वे ऑफ थिंकिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखूँगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, लास्ट तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक दबा के जाना। तो चलिए पहला चीज़ शुरू करते हैं। हम लोग मेंटल इलनेस में घुस जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो डिप्रेशन में हम लोग जाते हैं। लेकिन इसका ज़रिया कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है, कहाँ से इसका शुरुआत होता है, मैं डायरेक्टली चाइल्डहुड से लेने वाला हूँ टाइम, मतलब हमारे स्कूल लाइफ। और मैंने ये पॉइंट्स नोट करके रखा मेरे लाइफ के थ्रू, थोड़ा बहुत मिला के इधर उधर के, लेकिन हाँ सब कुछ मेरे साथ हुआ है। तो मैं डायरेक्टली चला जाऊँगा हमारे स्कूल लाइफ के टाइम, जब सबसे पहले हमें पता चलता है कि डिप्रेशन क्या है। और आप रीजंस ऐसा कह सकते हो कि ये सब आपके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि मेरे इस चैनल पे व्यूअर्स थोड़ा बहुत टीनेज का भी है और थोड़ा बहुत टीनेज से थोड़ा नीचे का भी है। तो लगभग इन लोग ऑलरेडी पार कर चुके हैं ये सब चीज़ें, या फिर चल रहा है। तो जिन लोग का चल रहा है, आप लोग रिलेट कर सको तो इसको सॉल्यूशन भी सुनो। सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे स्कूल लाइफ में, वो है बुलीज़ को फेस करना, जो मैंने सबसे पहले फेस किया था बुलीज़। अभी बुलीज़ में बुली करने में, यहाँ पे बहुत सारा बुलिंग का ज़रिया होता है, आप कह सकते हो टेक्निक्स होता है जैसे कि बॉडी शेमिंग हो जाता है, आपका लुक्स को लेके मजाक उड़ाया जाता है, आपका चलने ढलने का ढंग को लेके मजाक उड़ाया जाता है, या फिर आपका पढ़ाई को लेके मजाक उड़ाया जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिन लोगों को आपका बुली करना है, आपको जिन लोगों को आपको बुली करना है, उन लोगों के पास बहुत सारा रीज़न होता है। ठीक है, सॉल्यूशन बाद में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन ये पहला चीज़ होता है जब हमें पता चलता है कि थोड़ा बहुत
अलग टाइप का मूड होने लगता है या फिर थोड़ा गंदा लगता है खुद को। ये सेकंड आता है, और बुलिंग में सिर्फ, मतलब सेकंड पॉइंट में जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि बुलिंग में सिर्फ फ्रेंड्स नहीं आता है, बुली करने में आपके, आपको बुली करने में आपका बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, टीचर्स, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, बहुत लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेंड्स लोग बुली करते हैं, बहुत लोग बुली करते हैं, और उस बुली को कैसे टालना है मैं बात करूंगा आपके साथ। फिर आता है फ्रेंड्स। देखिए, अभी जनरेशन बहुत ही आगे बढ़ चुका है। मैं जिस टाइम से बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्म हुआ था 1996 में, और मेरे से जो बड़े हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग को लग सकता है कि मैं इतना छोटे एज में ये सब बड़ी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फॉलोअर्स थोड़ा बहुत है, तो मैं चाहता हूँ कि, और वो फॉलोअर्स मैक्सिमम लोग मेरे एज के हैं या फिर मेरे से छोटे हैं। तो जो लोग मेरे से छोटे हैं उन लोगों में, मैं बड़े भाई के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे से बड़े हैं मैं उन लोगों को उनके छोटे भाई जैसे सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है फ्रेंड्स। आप लोग उस एज में अभी हो, मैक्सिमम लोग, जब फ्रेंड्स का मतलब कोई लिमिट नहीं होता है, मतलब कोई भी आपसे ठीक से बात करे, कोई भी आपसे क्लोजली बात करे, कोई भी आपके साथ कुछ शेयर करे या फिर आपको शेयर करने में इंसिस्ट करे, आपको लग जाता है कि वो आपका फ्रेंड है, वो आपका दोस्त है। मुझे पता है बहुत सारे लोग एग्री नहीं करोगे मेरे इस मैटर पे, इस बात पे, लेकिन ये सच है, आपका दोस्त कभी कभी सच्चा दोस्त नहीं होता है। और ज़्यादा दोस्त अगर आप बनाओगे, अच्छा है अगर सब लोग सच्चा है तो अच्छा है, लेकिन यही असलियत है, यही हकीकत है कि आपका लाइफ में सच्चा दोस्त के नाम से सिर्फ एक या दो ऐसे रह जाएंगे। आप मिला के देख लेना यारों, आप मिला के देख लेना, चाहे कितना भी गहरा दोस्ती का नाम आप अपने दोस्ती को क्यों ना दो, लेकिन मैं सबको ये बताता हूँ, फ्रेंड्स लिमिटेड बनाओ। एक या दो या तीन ऐसा फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपके मुश्किल में भी आपके साथ दे, आपके साथ रहे, और आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट में, सबसे खुशी भरा दिन में भी आपके साथ रहे, वो होता है असली दोस्त। तो सबके लाइफ में ऐसे लोग होना चाहिए, और वो होता है असली दोस्त। वो दोस्त आपका मम्मी पापा भी हो सकता है, वो दोस्त आपका गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, वो दोस्त आपके रिलेटिव में से भी कोई हो सकता है, वो दोस्त आपके भाई बहन भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। टॉक विद देम, स्पीक विद देम एंड शेयर थिंग्स विद देम। जिन लोगों को लगता है, मतलब जो ऐसा आपको, जिसको लगता है कि जो हमारे सुख दुख सब कुछ में एक साथ है, आपका फायदा नहीं उठाया जा रहा है, ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती बनाइए। थर्ड में आता है टीचर्स। स्कूल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो टीचर्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे स्कूल लाइफ में। बहुत ही बड़ा क्या, मतलब हमारे पेरेंट्स के बाद इन लोगों को हम लोग पेरेंट्स मानते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, बीइंग ए टीचर, आप जो लोग मेरे व्यूअर में से टीचर हो, प्लीज़ टीच ईच एंड, मतलब ट्रीट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इक्वली, ओके। अब ऐसा आप लोग कभी नहीं सोच सकते कि इसका मार्क्स, इसका पढ़ाई खराब है तो ये बुरा स्टूडेंट है, इसका पढ़ाई बहुत अच्छा है, इसका ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इसका आपको पता नहीं, मतलब आपको पता नहीं कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट कहाँ, मतलब कब कैसे चेंज हो जाए। आपका एक बात से आप छोटे से ये सिखा रहे हो, आप टीचर्स भी सिखा रहे हो, और हमें, हमारा मम्मी पापा भी यही सिखाया कि मम्मी पापा के बाद अगर कोई, मम्मी पापा जैसा कोई होता है तो वो हमारा गुरुज होते हैं, और वो स्कूल लाइफ में हमें सबसे पहले उनके साथ हमारा मुलाकात होता है, साक्षात भगवान के रूप में भी हम लोग उनको मानते हैं, वो है टीचर्स। इस टीचर्स वाले पॉइंट को मैं ज़्यादा एक्सपांड नहीं करने वाला, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब आप लोग को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, प्लीज़ हर एक स्टूडेंट को ना इक्वली ट्रीट कीजिए, बिकॉज सब में कुछ ना कुछ अच्छा या होता है। ज़रूरी नहीं सबका हिस्ट्री अच्छा हो, ज़रूरी नहीं सबका मैथ्स अच्छा हो,
ज़रूरी नहीं सबका इंग्लिश अच्छा हो, ज़रूरी नहीं सबका साइंस अच्छा हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट, और ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है वो कुछ भी सब्जेक्ट में, मतलब पढ़ाई रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट में अच्छा ना हो, लेकिन उसका ऐसा कोई स्किल है जो आपसे भी बहुत ऊपर है, रेस्पेक्ट दैट। हाँ, ये सिखाइए कि अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक एडुकेशन सबके अंदर चाहिए, एटलीस्ट समझने का ताकत, जो मैं ये सब टॉपिक्स बोल रहा हूँ वो समझने के लिए भी एडुकेशन चाहिए थोड़ा बहुत। फोर्थ में आता है मार्क्स। मैं टीचर्स वाले पॉइंट में ही बता दिया मार्क्स का जो भूमिका है। प्लीज़, कोई भी स्टूडेंट को, कोई भी बच्चों को, ये मैं पेरेंट्स को भी सजेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी बच्चों को मार्क्स के हिसाब से मतलब जज मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए उसको मार्क्स 100 out of 100 लाने के लिए, 80 out of 100 लाने के लिए, 90 out of 100। अरे क्या होगा यार, मेरे को साफ साफ याद है यार, मेरा बोलना तो सही नहीं रहेगा यार, लेकिन हाँ, ऐसा बहुत सारा टीचर्स था, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स था जो मेरे साथ दोस्ती नहीं किया, क्योंकि मैं ख़राब स्टूडेंट था, और ऐसा बहुत सारा टीचर था मुझे क्या बोलूँ अब, बात होता है उन लोगों के साथ अभी, सो दे अप्रिशिएट माई, मैं जो चीज़ अभी कर रहा हूँ वो लोग अप्रिशिएट करता है, और मैं प्राउडली ये भी बोल सकता हूँ, प्राउडली नहीं, अपने मन में रेस्पेक्ट लेके ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ, उन लोग से ज़्यादा मोटिवेट मैं कर सकता हूँ, ये 100% श्योर है। तो कभी इन्होंने बोला था मेरे को कि तेरे से कुछ नहीं होने वाला, बट मेरे से हो रहा है, जैसे भी हो रहा है हो रहा है, ऊपर तो नहीं पहुँच गया लेकिन हो रहा है, आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। डिप्रेशन सबके अंदर रहता है लेकिन उसको निकालना पड़ता है, जैसे भी हो, मैं आज वही काम कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो मार्क्स के हिसाब से किसी को भी जज मत कीजिए यार, ये मार्क्स कुछ काम में नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। मैं अभी वीडियो खुद का कर रहा हूँ, वीडियो एडिट खुद कर रहा हूँ, वॉइस, गाना, डांस सब कर रहा हूँ, किसी का भी हक नहीं है और किसी का भी हिम्मत नहीं है कि ये पूछे कि तेरे को 10 में मार्क्स क्या मिला था, क्योंकि भाई मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ उसके साथ मेरा मार्क्स का इधर से उधर तक कोई कनेक्शन नहीं है। सो माय फ्रेंड्स, जो स्टडीज़ कर रहे हो करो, ध्यान से करो, बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ो, लेकिन हाँ, ये मत सोचो कि आपका मार्क्स आ जाए तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आपको जो भी हो। फिर आता है स्किल्स को इंसल्ट करना स्कूल लाइफ में, ये स्कूल लाइफ का लास्ट पॉइंट है, बहुत सारा होता है लेकिन मैं छोटा करने के लिए ये बता रहा हूँ। स्किल्स को इंसल्ट करना, टीचर्स, कुछ कुछ टीचर्स है, कुछ कुछ पेरेंट्स है, कुछ कुछ रिलेटिव्स है, कुछ कुछ बहुत सारे होता है, जैसे आप डांस करते हो, आप गाना करते हो, आप पोइम्स लिखते हो, आप कुछ भी करते हो, आपको इंसल्ट करने वाला मिल ही जाएगा, हर एक जगह मिल जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं आता है, सिंपल। ओके, सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ देम, डोंट बी सैड फॉर देम, बिकॉज वो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, वो लोग आपका स्किल्स को इंसल्ट कर रहे हैं, नीचा सोचिए मत खुद को इतना नीचे। और जो लोग इंसल्ट कर रहे हो ना, आप कभी इनके जैसा करके दिखाओ जिनको आप इंसल्ट कर रहे हो, किसी एक सिंगर, आपका दोस्त, हाँ, स्पेशली ये टीचर्स और स्टूडेंट्स में ही होता है मैक्सिमम, सब टीचर्स नहीं होता है, मुझे ऐसा भी टीचर्स मिला जो लोग मुझे 100% सपोर्ट करते था, एक दो टीचर्स ही है मेरे स्कूल लाइफ का जो लोग मुझे 100% सपोर्ट करता था जो चीज़ मैं करता हूँ उनमें, लेकिन बाकी मैक्सिमम लोग ऐसा था कि मुझसे कुछ होने नहीं वाला क्योंकि मैं डांस गाना ये सब करता हूँ। सो ऐसा बहुत सारे लोग है, मैं एग्जाम्पल तो बहुत सारा दे सकता हूँ, बहुत सारे अभी टॉप मोस्ट लोग हैं जिसको आइंस्टीन से लेके सब लोग हैं, जिन लोग मतलब उन लोग का स्किल कुछ अलग था और इन लोग को इंसल्ट किया जाता था। तो जो लोग इंसल्ट करते हो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इंसल्ट करने से पहले इनके जैसा वही स्किल आप करके दिखाओ, फिर इंसल्ट करना। ओके, फिर भी इंसल्ट ना करना ही सही होगा, लेकिन मुझे पता है जो लोग इंसल्ट करता है किसी और के स्किल को, उन लोगों को वो स्किल नहीं आता है, दैट्स इट, सिंपल। तो ये स्कूल लाइफ का कुछ बेसिक चीज़ें था, जब हमें समझ में आता है कि डिप्रेशन क्या है, ये सब के जरिए हम लोग डिप्रेशन के रोड पकड़ते हैं और उनमें खो जाते हैं, इसके बाद हम लोग को लगता है हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है,
मुझे पता नहीं ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, मेरे मोबाइल पे चार्ज है, सॉरी मोबाइल नहीं कैमरा पे चार्ज है या नहीं, लेकिन मैं अगर ये नहीं हुआ तो मैं इसका ऑडियो फॉर्मेट में ज़रूर दूंगा एज ए पॉडकास्ट। अभी आते हैं कॉलेज लाइफ में, शॉर्टकट में अभी बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सो एनीवे 15 मिनट्स हो चुका है तो आप सुनिए, अच्छा लगेगा। कॉलेज लाइफ में क्या होता है रिलेट कीजिए, ऑलमोस्ट सेम एज स्कूल। सबसे पहला पॉइंट है स्कूल जैसा मैक्सिमम पॉइंट्स रह जाता है, स्कूल जैसा बहुत सारा रीजन सेम रहता है जब आपको फेस करना पड़ता है जो जो आपको। इसके बाद आता है कॉलेज लाइफ में, वो है पॉपुलरिटी। यस दैट्स ए बिग फैक्टर, बिग फैक्टर, यू कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर कॉलेज में, और स्कूल में भी आजकल शुरू हो गया भाई, बच्चे बहुत आगे बढ़ गए। सोशल मीडिया के टाइम अभी तो 4, 5, 6 से सोशल मीडिया हाथ में आ जाता है। फ़ोन आना गलत नहीं है, इंटरनेट आना गलत नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट सोशल मीडिया में भी अगर आ रहे हो तो पॉजिटिव तरीके से यूज़ करो। मेरा बहुत सारा स्टूडेंट्स है डांस में, सिंगिंग में, जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करता है, दे आर टू गुड। ये लोग कुछ भी नेगेटिविटी, मतलब बहुत डिसेंट है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है स्कूल या कॉलेज में, ये पॉपुलरिटी जो नाम का, जो सो कॉल्ड पॉपुलरिटी का चीज़ लेके लोग डिप्रेशन में जाते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चा को देखता है कि उसको टीचर्स लोग ज़्यादा प्रेज कर रहा है, इसमें टीचर्स का भी गलती है, ओपनली कह सकता हूँ। एक टीचर एक ऐसे बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रीट कर रहा है, बहुत स्पेशली ट्रीट कर रहा है, और उसको नेगलेक्ट कर रहा है सिंपल, तो उसको लगता है, एक स्टूडेंट को लगता है वो ज़्यादा पॉपुलर है मुझसे, बहुत सारा फ्रेंड्स है उसको, वो पॉपुलर नहीं होता, आप अकेले रहते हो, आप ज़्यादा डिसेंट हो। पता है क्यों? क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है आपको किसी का। सो अगर किसी के साथ बहुत सारा ज़्यादा फैंस या फिर फ्रेंड्स सो कॉल्ड वो लोग है, तो उसको देख के ऐसा मत सोचो कि वो बहुत पॉपुलर है। और आपको वो पॉपुलरिटी कब मिल जाए, वो आपको कॉलेज वाले स्कूल वाले ख़त्म करने के बाद आप करो, या फिर आपको करना है तो आपका स्किल ऐसा बढ़ाओ, मिल जाएगा आपको पॉपुलरिटी यार, मिल जाएगा। और पॉपुलरिटी में भी आजकल पढ़ाई आ जाता है, मैं उस टॉपिक में जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैटर है। फिर आता है बॉडी शेमिंग। यार कोई मोटा है, कोई पतला है, ये सब चीज़ लेके बहुत सारा बुलिंग होता है कॉलेज में, स्पेशली फेस्ट होता है, इवेंट्स होता है, फैशन शो होता है, जब ऑडिशन देने जाता है, सो वहाँ पे भी ऑडिशन होता है। आई एम नॉट इंसल्टिंग दैट थिंग, बट यस ऑडिशंस होता है, और वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कमेंट सुना जाता, मतलब सुनता रहता हूँ, इसका फिगर अगले साल ट्राई करो, तुम्हारा तुम अभी थोड़ा बहुत मोटे हो, मतलब ठीक है। अब ओवर स्मार्ट लोग कोई कोई है जो बोलेगा कि अरे मोटे को तो मोटा बोल सकता है, इसमें खराब लेने का क्या बात है। भाई नहीं, आप जितना आसानी से बोल रहे हो उतना आसानी से कोई ले नहीं रहा है। सो अपने ज़ुबान को ना थोड़ा धीरे धीरे यूज़ करो, सोच समझ के यूज़ करो। ये एक शार्प नाइफ जैसा होता है, एक बार निकल गया घुस गया वो मर गया वहीं पे, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने ज़ुबान को थोड़ा संभालो, किसी को इंसल्ट मत करो, बॉडी शेमिंग या फिर कुछ भी ऐसा मत करो। हो सके तो ऐसा एक इंसान बनो किसी के लिए, मतलब जो आपके लिए जान दे दे, या फिर आप भी उनके लिए जान दे सो, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। जान मत देना कोई भी, ये बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन मतलब इतना आप सपोर्ट बन सकते हो किसी के लिए। नेक्स्ट आता है सक्सेस। सो घुमा फिरा के ना एक ही टाइप का चीज़ें होता है स्कूल और कॉलेज लाइफ में, मतलब कॉलेज में ये सबसे ज़्यादा होता है सक्सेस। मार्क्स को लेके कब मुझे सक्सेस मिलेगा, मतलब वो SGPA CGPA सो कॉल्ड मार्क्स, उसको सक्सेस बोलते हैं, या फिर इवेंट हो रहा है उसमें फर्स्ट आना ही है, वरना मैं कोई डांसर ही नहीं हूँ, सिंगिंग में फर्स्ट होना है वरना मैं सिंगर ही नहीं हूँ, एग्जाम में मुझे फर्स्ट आना है, मुझे 9 पॉइंट ये लाना है। भाई कुछ उखाड़ नहीं लोगे, मैंने साफ साफ ऐसा एग्जाम्पल, मतलब अभी है मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, 9 पॉइंट 8 पॉइंट, भाई क्या उखाड़ लिया, कुछ उखाड़ नहीं लिया। अगर उखाड़ना था तुम्हें मार्क्स से, तो तुम अपने फील्ड में उखाड़ो, और जो मार्क्स अच्छा नहीं ला रहा है उसको पढ़ाई को छोड़ के, मतलब पढ़ाई में उखाड़ नहीं पा रहा है तो उसका जो फील्ड है उसमें उखाड़ने दो,
ये दोनों के अलग अलग फील्ड में उखाड़ने के बीच में तुम उसका दिल को उखाड़ने क्यों आते हो? मतलब इंसल्ट जो लोग करते हो ना उनको बोल रहा हूँ, और जो लोग डिप्रेस हो जाते हो इन सब मैटर को लेके, नॉट ए बिग डील यार, तुम्हारा लाइफ वो पेपर के ऊपर मतलब चिपका नहीं है, तुम्हारा लाइफ तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अभी के ज़माने में तुम्हारा स्किल मैटर करता है। तुम ब्लॉगिंग करते हो ना तो उसमें गूगल तुमसे मार्क्स नहीं पूछेगा कि तुम्हारा मार्क्स क्या था कंप्यूटर में, तुम्हारा स्किल जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तुम वीडियो करते हो तुम्हारा निकॉन कैमरा सोनी कैमरा आके तुमसे नहीं पूछेगा भाई तेरा फोटोग्राफी में स्कोर कितना था। डो जो करना है करो, लेकिन अच्छे से करो, डिप्रेस्ड मत होना। ये होता है फिर आफ्टर कॉलेज, और थोड़ा सा ही है, 21 मिनट हो गया लगभग, ज़्यादा बड़ा हो रहा है लेकिन बोलना ही है यार इस टॉपिक पे। सब लोग बात कर रहे हैं लेकिन इसका रीजंस बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे, तो मैंने सोचा कि डिस्कस कर लेते। कैरियर, कॉलेज के बाद कैरियर, मुझे क्या बनना है भाई? जिस चीज़ में तेरा स्किल अच्छा है तो वह बन जा, ख़त्म। प्रॉब्लम क्या है पता है हमारे सोसाइटी में, हम काम को इतना डेंजरस तरीके से डिवाइड करके रखे ना, मतलब ये काम छोटा लगता है, वो काम बड़ा लगता है, ये कैरियर अच्छा लगता है, वो कैरियर छोटा लगता है, इसलिए हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ये एक मस्त बड़ा फैक्टर है और यार कोई इसको नज़रअंदाज करे तो ये ठीक नहीं होगा। कोई भी जॉब छोटा नहीं है, कोई भी कैरियर छोटा नहीं है, सिर्फ हाँ आपका स्किल अच्छा होना चाहिए और उस स्किल को आप खुद आगे बढ़ाओ। आपको गाना आता है ना, आप उसको आगे लेके जाओ अपने आप से, किसी के पीछे मत घूमो। फिर डांस आता है वो करो, पेंटिंग आता है करो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो उस सब्जेक्ट को लेकर आप आगे जाओ, ऊपर जाओ, मना किसने किया? आप पहले अपने दिमाग को शांत करो, ठीक है? आप पहले अपने दिमाग को शांत करो। मुझे बोलता है, मैं इतना कुछ करता हूँ, बहुत लोग मुझे बोलता है कि तू कोई भी एक चीज़ कर यार। अरे क्यों मुझे ये सब जो चीज़ कर रहा हूँ वो सब करना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और उन सब से अर्निंग अगर आ रहा है तो इसमें खराबी क्या है भाई? बन गया मेरा कैरियर, क्या हुआ? हो ही सकता है, सिंपल। फिर जॉब्स वो कैरियर के अंडर में आ जाते हैं। कोई भी जॉब छोटा नहीं है, आपको जॉब करना है तो जॉब करो, जॉब नहीं करना है तो मत करो। लेकिन उन सबको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने दोस्तों को, ये सब मत बताओ। ऐसा जॉब नहीं मिला तो क्या इंसान है यार, जॉब चाहिए जॉब चाहिए, ऐसे करके इन लोग को और भी डिप्रेस्ड मत करो। इन लोग के साथ रहो, इन लोग के कंधे से कंधा मिलाओ और बोलो कि अरे हो जाएगा हो जाएगा। ओवर स्मार्ट लोग मेरे इस वीडियो से दूर रहे, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, हर एक बात को अभी ओवर स्मार्ट तरीके से निकाला जा सकता है, निकालो मत कि ज्ञान झाड़ रहा हूँ, लेकिन ये सही है, बात करना पड़ता है। मैं कैमरे के साथ बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कैमरा है, मैं समझ रहा हूँ मेरे फॉलोअर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ। और बाद में आता है पेरेंट्स, यार पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफकोर्स, बट पेरेंट्स भी कभी कभी गलत बोल देते हैं तो मत बोला करो यार। लेकिन मैं बाकी लोग को वो बोलना चाहता हूँ जो लोग टॉलरेट करते हो, प्लीज़ पेरेंट्स ही बोल रहे हैं आपको, छोटा नहीं कर रहे। पेरेंट्स के सामने आप छोटा हो भी गए तो क्या हुआ? याद रखना, पेरेंट्स के सामने आप हमेशा छोटा ही रहोगे, मतलब रेस्पेक्ट के छोटा नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग का आप बेटा ही रहोगे, बेटी ही रहोगे, है ना? बड़े भाई के सामने आप छोटा भाई ही रहोगे, बड़ा नहीं हो जाओगे। सो बी काइंड टू एवरीवन, आपको छोटा कर रहा है ना, आप चुप करो, आपको जो करना है उस पर आप ध्यान दो, आपके स्किल पे आप ध्यान दो, आप आगे बढ़ो। कभी वही लोग आपको आके बोलेगा कि तुझे ये बनना था तो बन गया यार, अब तू कर तेरी मर्जी से। लेकिन क्या है ना, वो लोग क्यों बोलते हैं, पेरेंट्स लोग आपको छोटा करने के लिए नहीं बोलता है, पेरेंट्स लोग इसलिए बोलता है ताकि आप जो भी कर रहे हो ठीक से करो, मन लगा के करो। ओके, सो दैट्स इट। और लास्ट में आता है अर्निंग्स, आपका अर्निंग्स अगर कम है तो आप डिप्रेस्ड क्यों हो? डिप्रेस्ड मत हो जाओ, एक सिंपल फंडा है, मैं फेस कर रहा हूँ, मतलब मैं गलत चल रहा था इस मैटर पे। मेरा भैया है, मेरा दादा है, वो दादा मेरे को समझाया, बहुत हेल्प करता है मेरा, वो दादा मेरे को समझाया हमेशा हमेशा अपने अर्निंग में से 20% सेव करके रखो और बाकी आप यूज़ करो।
सो अभी से मैं ये कर रहा हूँ और आप सभी को सजेस्ट करता हूँ, आपका जितना अर्निंग है ना आप वैसे चलो, इससे ज़्यादा चलने की कोशिश मत करो तो आप फंस जाओगे, जो मैं भी फंसा एक बार, और ये क्लियर हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और लास्ट में मेरा यही टॉपिक था लास्ट, और मैं लास्ट में आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि देखो जितना भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया वो सब मेरे साथ हुआ और हो रहा है। सो मैं गाना गाना बंद कर रहा हूँ क्या? नहीं। मैं डांस करना बंद कर रहा हूँ? नहीं। व्लॉगिंग बंद? नहीं। वीडियो करना बंद? नहीं। तो अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, पता लग जाएगा नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स में। वो स्टॉप किया है? नहीं, उल्टा मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्यों? ताकि ये डिप्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा यार, आप बिजी रहो। इफ़ यू आर बिजी योर लाइफ इज ईजी, इफ़ यू आर लेजी नहीं बोलूँगा बाकी का। चंगा रहो, मस्त रहो, यही बोलना था। वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, यहाँ तक देख लिया तो लाइक दबा दो, शेयर कर दो जिन लोगों को ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कर दो मेरे इस चैनल को, मी3 यूट्यूब चैनल को। कीप स्माइलिंग, बी यू, बी ओरिजिनल।